इंडिया में कोविड-19 के नए केसेस दिखाई दे रहे हैं, लोगों के चेहरे फिर से मास्क से ढकने लगे हैं और हम सब अपने आप से बस यही सवाल कर रहे हैं, क्या फिर से लॉकडाउन होगा? क्या फिर से ऑफिसेज से लेकर स्कूल सब बंद हो जाएंगे? क्या हमें फिर से वैक्सीन लेने की जरूरत पड़ेगी? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। 27 जनवरी 2020 को इंडिया का सबसे पहला कोविड-19 का केस रिपोर्ट किया गया था। जुलाई 2022 में इंडिया पहला देश बना जिसने 2 बिलियन कोविड वैक्सीन के मार्क को क्रॉस करके 90% अडल्ट पॉपुलेशन को फुली वैक्सीनेट किया था। ऑलमोस्ट 3 इयर्स सिंस द वेरी फर्स्ट केस इन केरला एंड अप्रोक्सीमेटली 5.31 लाख डेथ्स लेटर, आज फिर से सबके मन में वही डर है। लेकिन ऐसा क्यों? राइजिंग केसेस इन चाइना। कुछ ही दिनों पहले WHO के डायरेक्टर ने कोविड-19 रिलेटेड इवेंट में एक डिलीवर की थी, वी हैव कम अ लॉन्ग वे इन ब्रिंगिंग द पैंडेमिक अंडर कंट्रोल एंड वी आर इन अ मच बेटर पोजिशन, बट द पैंडेमिक इज स्टिल नॉट ओवर। द रिमार्क्स ही मेड वर कैजुअल एंड नॉट मेंट टू इंड्यूस फियर इन पीपल। फाइनली आई विश अस अ पीसफुल एंड हेल्दी 2023। ऐसा कहकर उन्होंने ये स्पीच खत्म कर दी। लेकिन चाइना में जो इस वक्त हो रहा है उससे पूरी दुनिया का पीस और हेल्थ खतरे में है। पिछले हफ्ते 20th दिसंबर को चाइना के बीजिंग डोंजियागो फ्यूनरल पार्लर के बाहर पुलिस एंड सिक्योरिटी गार्ड्स को डिप्लॉय किया गया था। फॉरेन मीडिया और जर्नलिस्ट को वहां से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी। एज दे वर ट्राइंग टू टॉक टू द वर्कर्स ऑफ द क्रेमेटोरियम, डजंस ऑफ ब्लैक मिनी वैन्स वर सीन मेकिंग देयर वे इनसाइड द क्रेमेटोरियम ड्रॉपिंग ऑफ बॉडीज ऑफ देम हु वर अमंगस्ट द राइजिंग कोविड केसेस इन चाइना। वहां के एम्प्लॉय से पता चला कि जहां नॉर्मल डे पर 30-40 बॉडीज आते थे, वहां कुछ दिनों से ऑलमोस्ट 200 बॉडीज आने लगे। एज अ क्रेमेटोरियम इज स्पेशली डेजिग्नेटेड टू हैंडल कोविड-19 केसेस। बीजिंग में ही नहीं, चाइना के कई लोकल हॉस्पिटल्स के मॉर्ग्स भी फुल कैपेसिटी में फंक्शन कर रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल के हिसाब से चाइना के जेजियांग में हर रोज करीब मिलियन नए कोविड के केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। लेकिन जैसे केसेस बढ़ने लगे, वैसे चाइना ने एक्चुअल नंबर ऑफ केसेस एंड डेथ्स पब्लिश करने से इनकार कर दिया। इनफैक्ट देश भर से रिस्ट्रिक्शंस हटाने के बाद से सिर्फ 6 कोविड रिलेटेड डेथ्स रिपोर्ट किए गए हैं। इस पूरे सिचुएशन को एनालाइज करते हुए कुछ एक्सपर्ट्स ने ये एस्टिमेट किया है कि आने वाले 90 डेज में चाइना के 1.4 बिलियन पॉपुलेशन में से करीब 60% लोग इस नए कोविड वेव का शिकार हो सकते हैं एंड मोर देन 2 मिलियन ऑफ देम कैन बी डेड। चाइना शॉट इटसेल्फ इन द फुट। जीरो कोविड पॉलिसी। कभी खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेना सुना है? चाइना ने कुछ ऐसा ही किया। कोरोना वायरस से डील करने के लिए अलग अलग देशों ने तरह तरह के स्ट्रेटजीज अपनाए थे। जहां ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज ने ये मानकर चलना शुरू कर दिया कि कोरोना वायरस अब उनके लाइफ का एक पार्ट बन चुका है जो सालों तक कहीं जाने नहीं वाला, वहां कोरोना वायरस के ग्राउंड जीरो यानी चाइना ने इस बात को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। व्हेन मेनी कंट्रीज डिसाइडेड टू अडैप्ट टू पैंडेमिक सिचुएशन एंड फंक्शन नॉर्मली, चाइना डिसाइडेड टू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सिचुएशन बाय इंट्रोड्यूसिंग जीरो कोविड पॉलिसी। एज द नेम सजेस्ट्स, चाइना ने ये डिसाइड किया कि हम तब तक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स लगाएंगे, मास टेस्टिंग करेंगे, इन्फेक्टेड लोगों को सोशली आइसोलेटेड रखेंगे जब तक कोविड के केसेस रिपोर्ट होना पूरी तरह बंद नहीं हो जाते। इस पूरे पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव ये था कि कोरोना वायरस को कम्प्लीटली एलिमिनेट किया जाए ताकि नेशन फिर से फुल फ्लेज्ड वे में वायरस की चिंता किए बिना फंक्शन कर सके। इस पॉलिसी के अंदर एक मेंबर के पॉजिटिव टेस्ट होने के बाद फैमिलीज को सेपरेट किया जा रहा था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लॉज की वजह से ये सेपरेशन पीरियड एक्सटेंड भी हो रहा था। इसकी वजह से लोगों में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बढ़ने लगा। कुछ केसेस में तो नेगेटिव टेस्ट होने के बावजूद भी लोगों को अपनी फैमिली से सेपरेट किया जा रहा था। राइजिंग प्रोटेस्ट्स इन चाइना। ऑल ऑफ दिस कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट 2 इयर्स विद पीपल फॉलिंग टू एडजस्ट टू प्रेसिडेंट जिनपिंग्स जीरो कोविड पॉलिसी। प्रोटेस्ट शुरू होने लग गए लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने उन्हें सप्रेस करके रखा, इतना ज्यादा कि प्रोटेस्टर्स हैड टू टर्न टुवर्ड्स बॉलीवुड। कई सारे चाइनीज सिटीजंस खाली बर्तन लिए चाइनीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डोइन पर मिथुन चक्रवर्ती के डिस्को डांसर मूवी के फेमस सॉन्ग जिमी जिमी यूज करके जीरो कोविड पॉलिसी के स्ट्रिक्ट कंडीशंस के तहत अपनी हेल्पलेसनेस को एक्सप्रेस कर रहे थे। बप्पी लहरी का ये पर्टिकुलर सॉन्ग यूज करने के पीछे का रीजन सुनकर आप चौंक जाओगे। जिमी और जेमी roughly translates to give me rice in Mandarin. इससे पता चलता है कि चाइना में लोगों की कितनी बुरी हालत थी। लेकिन recently ये protests next level पर होने लगे और इसके पीछे की वजह थी ये।
इस साल 21 स्टोरी बिल्डिंग में आग लगने की वजह से 10 लोगों की मौत हुई और 9 लोग जख्मी हो गए। इस बिल्डिंग को कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से बाहर से लॉक किया गया था। चाइना के स्ट्रिक्ट स्टे एट होम ऑर्डर्स की वजह से लोग बाहर नहीं निकल पाए एंड द रेस्ट मेड इट टू द न्यूज एंड प्रोटेस्ट्स एक्सप्लोडेड ऑल अक्रॉस चाइना। बढ़ते प्रोटेस्ट्स को देखते हुए प्रेसिडेंट जिनपिंग को अपनी स्ट्रिक्ट जीरो कोविड पॉलिसी को अबैंडन करके रिस्ट्रिक्शंस हटाने पड़े। ओके, बेटर लेट दैन नेवर। एटलीस्ट प्रोटेस्ट करने वाले चाइनीज सिटीजंस अब चैन की सांस तो ले पाएंगे। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट होना शुरू हुआ। इसके पहले भी जब सिंगापुर और न्यूजीलैंड ने अपने रिस्ट्रिक्शंस हटाए थे तब कोविड केसेस और उससे रिलेटेड डेथ्स में राइज देखने मिला था। इस इंफॉर्मेशन को एज अ लेसन यूज करके चाइना को रिस्ट्रिक्शंस धीरे धीरे लूजन अप करने चाहिए थे और साथ ही हॉस्पिटल्स को एडवांस में नोटिफाई करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनसफिशिएंट प्लानिंग की वजह से पूरे चाइना के पब्लिक हेल्थ सिस्टम में केओस बढ़ने लगा। हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और मेडिकल स्टाफ को ट्रेन करने के बजाय बड़ी रकम क्वारंटीन फैसिलिटीज और टेस्टिंग में खर्च की गई। ऐसा कई ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट्स, एपिडेमियोलॉजिस्ट्स, रेसिडेंट्स और पॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना है। ज़ू फेंग ज़ांग, प्रोफेसर ऑफ एपिडेमियोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, सेड दैट इफ दे कुड स्पेंड अ स्मॉल पोर्शन ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड इन कोविड 19 टेस्टिंग एंड लॉकडाउन, चाइना वुड बी बेटर ऑफ इन द पॉलिसी चेंज। साथ ही चाइना ने अपने होम ग्रोन वैक्सीन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए वेस्टर्न मेड mRNA वैक्सीन को डिक्लाइन कर दिया, जबकि उनके अपने वैक्सीन बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं थे। चाइना ने अचानक से पॉलिसी अबैंडन करके कोविड मास वैक्सीन कवरेज के सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप को ही मिस कर दिया। एक्सपर्ट्स के हिसाब से कोविड 19 को टैकल करने का एक ही इफेक्टिव तरीका है, लोगों में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने का। हर्ड इम्यूनिटी तभी डेवलप होती है जब ज्यादा से ज्यादा लोग किसी वायरस के अगेंस्ट हो जाते हैं और एपिडेमिक या फिर इस केस में पैंडेमिक की ग्रोथ सप्रेस हो जाती है। हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने के दो तरीके होते हैं। सबसे आसान है मास वैक्सीनेशन, यानी बहुत सारे लोगों को वैक्सीन्स देकर एक साथ आर्टिफिशियली इम्यून कर देना। सेकंड, हर्ड इम्यूनिटी तब डेवलप होती है जब बहुत सारे लोगों के इन्फेक्ट होने के बाद उनके बॉडीज में नेचुरली एंटीबॉडीज डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। देयर बॉडीज बिकम नेचुरली इम्यून अगेंस्ट द पैथोजन। चाइना ने इन दोनों में से एक भी तरीके से अपनी पॉपुलेशन में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होने दी, ना ही उनके सो कॉल्ड होम ग्रोन वैक्सीन्स इफेक्टिव निकले और लंबे लॉकडाउन की वजह से लोग नेचुरली भी इम्यून नहीं हो पाए। इस पूरे सिचुएशन को और बिगाड़ने का काम किया ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF7 ने। 2019 में जब कोविड 19 अपने होम टाउन चाइना से पूरे देश में फैल रहा था तब उसकी आर वैल्यू 0.7 टू 0.9 थी। आर वैल्यू एक नंबर होता है जिससे ये डिटरमिन किया जाता है कि एक इन्फेक्टेड इंसान और कितने लोगों को इन्फेक्ट करेगा। लेकिन जैसे जैसे कोरोना वायरस म्यूटेट होने लगा वैसे वैसे उसकी आर वैल्यू बढ़ने लग गई। 2021 में स्प्रेड होने वाले ओमिक्रॉन की आर वैल्यू 1 to 5 थी, यानी एक इन्फेक्टेड इंसान 1 to 5 लोगों को इन्फेक्ट करने की कैपेसिटी रखता था। लेकिन चाइना और धीरे धीरे पूरी दुनिया में स्प्रेड हो रहे BF7 की आर वैल्यू है 10 to 18, यानी कि एक इन्फेक्टेड इंसान 10 से 18 लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। नो वंडर द केसेस इन चाइना आर एट पीक। अब इस सब वेरिएंट के केसेस बाकी कंट्रीज में भी पाए गए हैं। इनफैक्ट इंडिया में भी ये वेरिएंट अक्टूबर में डिटेक्ट किया गया था, लेकिन रिसेंटली चाइना में बढ़ते केसेस के साथ BF7 इंडिया में भी कमबैक कर रहा है। लेबोरेटरी स्टडीज के हिसाब से प्री एग्जिस्टिंग एंटीबॉडीज इस सब वेरिएंट को न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहे, एज इट हैज 4.4 टाइम्स हायर रेजिस्टेंस टू एंटीबॉडीज देन द ओरिजिनल वायरस। व्हाट अवेट्स इंडिया? येट अनदर वेव और इवन वर्स। अब इन सब के बाद एक सवाल हम सबको परेशान कर रहा है, क्या इंडिया की भी हालत चाइना की तरह होगी? Keeping in mind how contagious this sub-variant is, क्या इंडिया अपना नया साल कोविड की फोर्थ वेव लेकर आएगा? Yes, India might witness a rise in COVID cases in the coming weeks, but the scientists and experts are asking Indians to chill. But not much. China की zero COVID policy की वजह से वहाँ waves of infection नहीं आए जैसे India में आए थे। India के 3 COVID waves ने लाखों लोगों को naturally immunize कर दिया। In fact, कई Indian population में hybrid community develop हुई है, यानी वो infection की वजह से भी immune हुए और vaccines की वजह से भी। Additionally, India में 3rd wave जब आई थी तब उस वेव में ओमिक्रॉन के केसेस ज्यादा थे, विच नेचुरली इम्यूनाइज्ड इंडियंस अगेंस्ट द वायरस। सिंस BF7 इज आल्सो एन ओमिक्रॉन सब वेरिएंट, ऑल ऑफ अस कैन टेक अ साई ऑफ रिलीफ अनलेस आवर मास्क्स आर ऑन। इंडिया में वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल पॉपुलेशन में से करीब 95 कवर हो चुके हैं। 88% पॉपुलेशन के दोनों डोजेस भी कम्प्लीट हो चुके हैं। दूसरी तरफ चाइना में वैक्सीनेशन का भी सिनेरियो केओटिक ही था। चाइना ने अब तक 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 7 वैक्सीन यूज किए थे, जिसमें से सिर्फ 2 वैक्सीन
WHO लिस्टेड हैं और वहां पर ज्यादा एल्डोली पॉपुलेशन के वैक्सीनेशन पर भी ध्यान नहीं दिया गया था। अभी बढ़ रहे केसेस में से एल्डोली पॉपुलेशन ही सबसे ज्यादा वल्नरेबल कंडीशन में है। वायरोलॉजिस्ट गगनदीप कैंग रिसेंटली ट्वीटेड सेइंग दैट इंडिया इज डूइंग फाइन। अगर कंडीशन कॉन्स्टेंट सर्विलेंस में रही और वायरस के बिहेवियर में हो रहे चेंजेस को समय पर डिटेक्ट किया गया तो BF7 इंडिया में फोर्थ वेव नहीं ला सकता। कंक्लूजन, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट इंडिया माइट नॉट विटनेस येट अनदर वेव ऑफ COVID-19, लेकिन जैसे पहले हुआ था वैसे चाइना में बढ़ रहे केसेस से इनडायरेक्ट इफेक्ट इंडिया पर भी पड़ सकता है। इंडिया ने अभी तक नए केसेस में 300 का मार्क क्रॉस नहीं किया है, विच इज अ गुड थिंग कंसिडरिंग दैट देयर आर मॉक ड्रिल्स प्लान्ड ऑन ट्यूसडे टू चेक हाउ प्रिपेयर्ड वी आर फॉर द वर्स्ट। हॉस्पिटल्स को नोटिफाई किया जा रहा है ताकि किसी भी सिचुएशन को टैकल करने के लिए प्रेपरेशन हो सके। क्राउडेड प्लेसेस में मास्क पहनना फिर से कंपलसरी हो चुका है। चाइना, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से आने वाले लोगों के लिए RT-PCR टेस्ट मैंडेटरी किए गए हैं। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने सेकेंड बूस्टर डोज अलाउ करने की बात भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ की है। ऑफिशियल डेटा के हिसाब से अभी तक मेजोरिटी इंडियन पॉपुलेशन ने अपना पहला डोज भी नहीं लिया है। सो दिस इज अ साइन फॉर ऑल टू गो गेट देयर जैब। आने वाले साल को नए साल जैसे ही मनाना है, ना कि 2020 की तरह। एंड फॉर दैट ऑल ऑफ अस नीड टू बकल अप एंड स्टे सेफ। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिमेन नोटिफाइड। Until next time, this is Aditi Sharma signing off.